तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एच एस फर्स्ट ईयर यानी कि एस एफ बोर्ड की हिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स तो इस वीडियो में हम लोग सेकंड यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे ऑलरेडी फर्स्ट यूनिट की वीडियो हम लोगों ने बना रखी है उसे भी जाकर चेकआउट करना कि फाइनल एग्जाम्स में जो है कौन से कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इस साल आने के बहुत ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड यूनिट जिसका नाम है राइटिंग एंड द सिटी लाइफ तो यहाँ से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है तो चलिए देर ना करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन वीडियो को स्टार्ट करो उससे पहले मैं बता दूँ कि कोई भी डाउट हो दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इसी तरीके की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो जो हम लोग लाते रहेंगे इलेवन और ट्वेल्ल के लिए तो सबसे पहला है वाई इज द मैसोपोटेमियन सिविलाइजेशन फेमस फॉर तो मैसोपोटेमियन सिविलाइजेशन जो था वो क्यों फेमस था तो एक्चुअली में ये एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस था फिर नाबोनिडियस जो नाबोनिडियस तुम्हारा है वो क्या है ठीक है तो नामोडियस लास्ट किंग था बेबुलूनियन एम्पायर का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मेसोपोटामिया तो जो मेसोपोटिया का, का है वो क्या है 2017 और 2015 में पूछा गया हुआ था ठीक है तो इसका आंसर है द मिडिल ऑफ द रिवर यानी कि मैसो का मतलब है मिडिल और पोटोमिया का मतलब है रिवर ठीक है वट वॉज द प्रिविलेंट लैंग्वेज इन द दसेरियन रीजन असेरियन रीजन में कौन सा लैंग्वेज बहुत प्रिविलेंट था तो वो था सुमेरियन नेम द साइन लेटर रिटर्न इन द या फिर ऑन द क्ले टैबलेट्स तो वो कनिफॉर्म था तो वट वस कनिफॉर्म ये भी दो हज़ार तेरह में पूछा गया था और कई बार क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है घुमा दिया जाता है कई बार नेम पूछा जाएगा नेम द साइन लेटर्स और उसे हम लोग कनीफर्म कहते हैं कई बार पूछ देगा कि कनिफॉर्म का मतलब क्या है तो इसी क्वेश्चन को जो है ना दोबारा घुमा फिरा के आपके साथ पूछा जा सकता है उसके बाद नेम द गॉडेसेस ऑफ लव वर्शिप इन मैसोपोटेमिया तो ठीक है ये इन्ना है व्हाट इज द प्रेजेंट नेम ऑफ द मेसोपोटेमिया तो अभी प्रेजेंट नेम क्या है मेसोपोटेमिया का तो वही है इराक आर्कोलॉजिकल वर्क स्टार्ट इन मोसोमिया तो मोसोप्टिया में आर्कोलॉजिकल जो वर्क है वो कब स्टार्ट हुआ था वो एटीन फोर्टीज में स्टार्ट हुआ था वॉट इज क्ले टेबलेट तो क्ले टेबलेट क्या है तो ये इसको प्रिपेयर किया जाता था फ्रॉम वेट क्ले टू राइट लिखने के लिए वो समय इस्तेमाल किए जाते थे फिर पिक्टोग्राफिंग राइटिंग क्या है पिक्टोग्राफी राइटिंग क्या तुम्हारा तो दिस वॉज ए पिक्चर और साइन राइटिंग स्टार्टेड बाय सुमेरियंस नेम द लैंग्वेज प्रिविलेंट इन एशियरियन रीजन तो अशीरियन रीजन ये मैंने आप लोगों को बताया सुमेरियन तो इस तरीके के वन मार्क वाले जो शॉर्ट क्वेश्चन है जैसे कि नेम टू सिटी स्टैब्लिश बाई मेसोपोटेमियन पीपल तो वह है उर्क एंड मारी और ग्लामेश क्या है तो वो किंग ऑफ उर्क सिटी है ऐसे ही तरीके के वन मार्क वाले क्वेश्चन जो है आप लोगों को इस चैप्टर से पढ़ने हैं ठीक है तो चलो अब हम लोग जो है ना देखते हैं टू मार्क वाले क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से वाट इज कनिफॉर्म राइटिंग कनिफॉर्म राइटिंग क्या है फ्रॉम विच लैंग्वेज द वर्ड

दिस रीजन थ्रू स्मॉल चैनल्स तो छोटे छोटे चैनल्स से वाटर फ्लो होता था डिजिट एरियाज में हम लोग तो सारी जगह पानी नहीं होता था ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात थी मैंशन द यूनिक कैरेक्टरस्टिक्स ऑफ टाउन प्लानिंग इन मैसोपोटोमिया तो टाउन प्लानिंग के बारे में बताया गया दो हज़ार सत्रह में पूछा गया क्वेश्चन है टू कैरेक्टरस बना रहे हैं तो सबसे पहले तो नो प्रोविजन फॉर स्ट्रीट ड्रेंक स्ट्रीट ड्रिंक का कोई प्रोविजन नहीं था और लाइट केव इन द रूम नॉट फ्राम द विंडोज बट फ्रॉम द डोर वेज ओपनिंग इन टू द कोर्ट यार्ड्स वाट वेर द फूड प्रोडक्ट्स इन मेसोपोटामिया तो क्या क्या फूड प्रोडक्ट है तो ये थे मीट फूल फिश डेट प्लाम ये सब सारे फूड प्रोडक्ट थे ठीक है उसके बाद मैंशन द नेम ऑफ द टू रिवर्स डेट एंड्रीज द मेसोपोटम सिविलाइजेशन तो ये है टिग्रिस एंड यूफ्रिट्स तो जो हमने बताया था ना मेसोपोटोमिया दो रिवर के बीच में तो ये है टिग्रिस और यूफ्रिट्स डिस्क्राइब द फंक्शनिंग ऑफ नाइफ लाइब्रेरी ठीक है तो यहाँ पर यह आंसर्स दिया हुआ है दो और 2014 Uh, बारे में भी पूछा गया हुआ कि ये क्वेश्चन है 2014 और 2012 में तो ऐसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं इसका मतलब इसका बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी की वापस दोबारा रिपीट हो जाए राइट डाउन द नेम ऑफ द ट्राइब हु हैड फ्लोरिस्ड ड्यूरिंग द मैसोपटीमेन एज व्हाट डू यू मीन बाय पिक्टोग्राफिक राइटिंग पिक्टोग्राफिक राइटिंग का मतलब क्या है वट इज टैबलेट यूज बाई वट इज़ टैबलेट यूज बाई सुमेरियंस अगर ये वीडियो की पीडीएफ अगर चाहिए तो भी आप लोगों को मिल जाएगा छोटी सी पेमेंट करके डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके आप लोग पेमेंट कर देना स्क्रीनशॉट मुझे आप फेसबुक इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पर नंबर है उसमें आप लोग मुझे भेज सकते हो मैं आप लोग को वहीं पर करवा दूंगा फोर मार्क वाले क्वेश्चन जो फोर मार्क वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो कहाँ से पढ़ना आप है आप लोग को वाई डिड द मैसेपोटेमियन सिविलाइजेशन फेमस है ना वाई डिड तो किस लिए मैसेपटेमियन सिविलाइजेशन फेमस था तो कई सारे पॉइंट्स लिखना है आप लोगों को क्योंकि चार मार्क वाले क्वेश्चन है दो हज़ार सोलह में आया हुआ है तो कम से कम एटलीस्ट फोर पॉइंट्स जो ना आप लोग लिख देना उसके बाद व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन तो अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है दो हज़ार में पूछा गया था उसके बाद व्हाट वेयर द सोशल क्लासेस इंटू द विच मेसोपोटेबियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड तो सोशल क्लासेस के बारे में पूछा तो अपर क्लास मिडिल क्लास लोअर क्लास जिसको हम लोग स्लेब्स भी कहते हैं द अपर क्लासेस जिसमें किंग होते थे नोबल्स होते थे प्रिस्ट गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स वॉरियर्स लोग होते थे तो ये आप लोगों को सोशल क्लासेस को एक्सप्लेन कर देना थोड़ा सा फोर मार्क्स के लिए उसके बाद व्हाट वेयर द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या है ये ऑलरेडी हम लोगों ने ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी बताई दोबारा आ गया ठीक है ये दोबारा ये दो दोनों क्वेश्चन रिपीट हो गए उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट नोट ऑन मारी किंगडम तो मारी जो किंगडम था उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है सबसे थोड़ा शॉर्ट में लिख देना कि मारी जो है वो लोकेटेड था हमारा वेस्ट बैंक ऑफ यूफ्रेट्स रिवर इन द नॉर्थन मोसपोटमिया उसके बाद दिस इज द अर्लीस्ट नोन प्लान सिटीज़ इस तरीके के शॉर्ट शॉर्ट जो है डेफिनेशन पॉइंट वाइज बना के आप लोग लिख देना उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन कन्फर्म राइटिंग तो कन्फर्म राइटिंग के बारे में आप अच्छा से एक शॉर्ट नोट पढ़ लेना उससे क्या होगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो भी लिख पाओगे आप लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो भी लिख पाओगे ठीक है अब चलिए देखते हैं सिक्स मार्क वाले क्वेश्चन जो कि आपको इस यूनिट से पढ़नी चाहिए ठीक है अगर अगर अभी तक तो आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो काइंडली लाइक कमेंट शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि जो है ना हम लोग आगे भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाते रहें ठीक है चलो देखते हैं फाइव टू सिक्स मार्क वाले क्वेश्चंस सो वट डू एंशियंट स्टोरीज टेल आस अबाउट सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटेमिया तो एनशियट स्टोरीज क्या बताता है हमें सिविलाइजेशन ऑफ मेसोटेमिया के बारे में तो ये हम लोग यहाँ यहाँ पे लिख रखा है ये अगर आप लोग चाहोगे ना तो पी डी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे आप जाके पेमेंट करके ये पी ले सकते हो यही नहीं बाकी सारे ही चैप्टर्स की पी आप लोग चाहो तो ले सकते हो राइट ए नोट ऑन द पीपल पीपल्स लाइफ इन द सिटी ऑफ मेसोपोटामिया तो पीपल्स लाइफ के बारे में बताना है मेसोपोटेमिया दो हज़ार अठारह में पूछा गया था छः मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसके बाद गिव एन एसेंशियल गिव एन एस्टिमेट ऑन द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मेसोपोटेमियन सिविलाइजेशन जिसमें सुमेरिन अकेडियन एम्पायर के बारे में लिखना होगा आप लोगों को ठीक है अक्डियन एम्पायर के बारे में बेबोिन के बारे में फिर राइटिंग ए सी ऑफ द टाउन प्लानिंग इन मेसोपोटेम सिविलाइजेशन मार्क्स छः मार्क मार्क के लिए तो ये सब ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप लोग इस साल बिल्कुल भी मिस आउट मत करना इनको अच्छे से तरीके से पढ़ के जाना अभी भी आप लोगों के पास टाइम है तो पढ़ के जाना आई होप कि आपको ये पढ़ के जाओगे ना तो इसमें से बहुत ज़्यादा कॉमन और इंपॉर्टेंस मिलेंगे क्योंकि हमने सारे ही जो वीडियोज़ बनाए आप लोगों ने चेक किया होगा कि हमारे दिए गए कॉमन क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया तो लाइक कॉमेंट शेयर करना ना भूलें साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे हम जल्दी हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय